सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जब से हुआ है तब से कई ऐसे चेहरे हैं जिनको कोई भूल नहीं सकता, जिसमें से एक चेहरा है इनका। ये बड़े नेता हैं, पर इन्होंने अब जो खुलासा किया है, एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है, इसको लेकर अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और वहीं पर एक और कलाकार को हमने खो दिया आज, बताएंगे सब चीजें आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक वीडियो पहुंचे, वरना यूट्यूब इसको रोक देगा। भैया आपको यहाँ पर सबसे पहले हम बता दें कि सुशांत मामले को लेकर अक्सर चर्चा होती है। जब से ये मामले में पीआईएल दाखिल हुई है, और उस पीआईएल को लेकर अगर कुछ लोग समझ रहे हैं कि उस पीआईएल में कोई दम नहीं है, भैया ये तो ऐसी याचिका डाल दी गई है, बाद में इस याचिका में सुनवाई कभी नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी एक भूल कर रहे हैं। क्यों आखिरकार? क्योंकि अगर इस पीआईएल में जो बातें लिखी हैं, जो बड़े शख्स का नाम लिखा है, मोबाइल लोकेशन की बातें हो रही हैं, अगर उसमें दम ना होता तो शायद बड़े नेता साहब जो हैं ये अपने लॉयर को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ना जाते और ये ना बोलते कि हमारी भी बात सुन लीजिएगा अपना डिसीजन देने से पहले। और दूसरी तरफ आपको बता दिया जाए, नीतीश राणे जी को तो सब जानते हैं, अक्सर कहा जाता है कि ये हो या इनके पिताजी हो, कई बार इन्होंने सुशांत दिशा केस को लेकर कई ऐसी बातें बोली हैं जिसके बाद सवाल खड़े हो गए हैं, और बहुत बार इनके ऐसे ऐसे खुलासे सामने निकल के आए हैं जिसके बाद बड़े एक नेता हैं जिनका नाम इस मामले में बताया जाता है इनके थ्रू, और कई बार उस नेता को लेकर इन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। क्योंकि सुशांत मामला हुआ तो अभिनेता से लेकर नेता के ऊपर सवाल उठ गए, और खास करके उनकी जो गर्लफ्रेंड बताई जाती है उनके ऊपर भी सवाल उठे। यहाँ तक कि इस मामले में बड़ी बड़ी एजेंसीज जाँच करने आई, CBI, NCP, ED जैसी एजेंसीज जाँच करने आ जाती है, पर आखिरकार एक नेता के ऊपर इतने सवाल क्यों उठे हैं और एक नेता को लेकर क्यों यहाँ पर इतने सवाल उठाए जा रहे हैं? इसके पीछे सबसे पहली वजह कहा जाता है कि सुशांत की जब डेथ हुई उससे पहले किसी का बर्थडे, और उससे पहले दिशा का जाना, उसके बाद रिया का घर छोड़ना, उसके पहले हार्ड ड्राइव जो थी सुशांत की वो चली जाना, इसको लेकर कई सवाल उठते रहे। और बाद में जो सुशांत के घर पे मौजूद थे स्टाफ मेंबर, उनकी कहानियां रचना अपने आप में कई बड़े सवाल उठा रहे थे, और अलग अलग चैनल पे जो उनके स्टाफ मेंबर्स ने इंटरव्यू दिए थे वो इंटरव्यू में उनके बयान बदलना अपने आप में एक बड़ा सवाल उठा गए थे। पर कहा जा रहा है कि नीतीश राणे जी ने अब एक बहुत बड़ी बात फिर से बोल दी है। कहा जा रहा है कि इन्होंने एक ट्वीट किया, और इस ट्वीट में उन्होंने जिनका नाम लिया है वो आप खुद ही पढ़ लीजिए, हम आपको एक ट्वीट दिखा रहे हैं, आप खुद इस ट्वीट को ध्यान से पढ़िएगा, आपको इस ट्वीट में जो लिखा है वो बता देते हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश राणे जी ने एक ट्वीट करा है, ये ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि किसी ने मुझे कहा है कि एक फैमिली है, पॉलिटिकल फैमिली, नाम आपके सामने है, ठाकरे फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनका कहना है कि किसी ने इनको बोला है ठाकरे फैमिली देहरादून के लिए निकल चुकी है पिछले दिन 1 बजे दोपहर के टाइम पर, और कहा जा रहा है कि साथ में उनके एक कुक और एक स्टाफ मेंबर गया है गेट नंबर 8 से प्राइवेट जेट के थ्रू, ये लोग गए हैं देहरादून के लिए निकले हैं। कहा जा रहा है कि इसके बाद ये लिखते हैं कि मराठा रिजर्वेशन के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर इनको कोई केयर नहीं है, यहाँ तक कि ये कहते हैं कि इनको अपने भाई जो पाटिल साहब हैं उनका जो उन्होंने व्रत रखा हुआ है, मतलब जो अनशन में है, जो भूख हड़ताल में है, उनका व्रत टूटने तक का इन्होंने वेट नहीं करा और ये निकल गए। इसके बाद कहते हैं कि भैया ये लोग देवेंद्र फडणवीस जी को ब्लेम करते हैं कि वो यहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं, और जब ये खुद अचानक से ऐसे निकल गए अपने ही भाई को छोड़कर, तो इनके ऊपर सवाल उठाए गए नीतीश राणे जी के द्वारा। इसी के साथ एक और बड़ी बात बोल दी नीतीश राणे जी ने, ये बात जो उन्होंने अब लिखी है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठा रही है। क्यों? यहाँ पर नीतीश राणे जी आगे लिखते हैं कि भैया मुझे होप है कि यहाँ पर जो बेबी डैश ये जो कोर्ट SSR के ट्रायल शुरू करेगा, तो ये वहाँ पर जब भी इनको बुलाया जाएगा तो ये पहुँचेंगे, ये वहाँ पर मौजूद ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि ये वहाँ पहुँचेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नीतीश राणे जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली है यहाँ पर, वो क्या है कि सुशांत केस में कोर्ट में ट्रायल शुरू होने वाली है। मतलब कहीं ना कहीं इतने बड़े नेता का ये बोलना, ट्रायल की बात करना, सुशांत केस में ट्रायल की बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है कि आखिरकार सुशांत मामला क्या दोबारा से एक्टिव हो चुका है, क्या इस मामले में अब कोर्ट भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्या बड़े सबूत हाथ लग चुके हैं, क्या इस मामले में जो फोन लोकेशंस की बातें हो रही हैं, जिस तरीके से PIL की बातें हो रही हैं, राशिद खान पठान साहब जो हैं उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका जो लगाई है, PIL दाखिल करी है, उसमें कई बड़े सबूत रखे हैं, अब क्या उन सबूतों को लेकर जल्द सुनवाई होने वाली है। 6 दिसंबर की बात बोली जा रही है, पर उसको लेकर भी कोई अपडेट आएगी तो हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि नीतीश राणे जी ने बड़ा खुलासा करा कि किसी ने इनको बोला है कि परिवार देहरादून के लिए निकल चुका है,
और करीब कहा जा रहा है कि दोपहर 1 बजे, और ये देहरादून शायद दिल्ली के पास देहरादून पड़ता है वहाँ की बात हो रही है, या जो उत्तराखंड में देहरादून है वहाँ की हो रही है, इसके बारे में कन्फर्मेशन नहीं है हमारे पास, पर जो यहाँ पर नीतीश राणा जी ने बोला है हम आपको सिर्फ वही बता रहे हैं। इसके बाद इन्होंने ये बहुत बड़ी बात बोली है भैया, सुशांत केस में जब ट्रायल शुरू होगी तो इन्होंने बेबी डैश का नाम लिया है। अभी बेबी डैश कौन है भैया, आप अच्छे से जानते हैं, हम आपको बोलेंगे नहीं भैया, हम तो आम लोग हैं, यहाँ पर बड़े बड़े नेता साहब जो बोल रहे हैं उनके ही ट्वीट हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बात नीतीश राणा जी की बोलना कोई आम बात नहीं हो सकती, क्योंकि बड़े नेता जब कुछ भी बोलते हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे वजह होती है, और वजह सिर्फ गद्दी नहीं होती है, गद्दी पावर तो अपने हाथ में है, पर जब कहा जाता है कि किसी मामले में 3 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही हो और मामले का सच अभी तक बाहर ना आया हो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या अब इस पूरे मामले का जल्द फाइनल कंक्लूजन निकल के आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मामला चल रहा है इस मामले में अपने आप कई सारी चीज़ें अब सामने आने वाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब आपको क्या लगता है आप बताइएगा कि आपको इस पूरे मामले के बारे में लग क्या रहा है, क्या होगा इस मामले में। वहीं पे बात करें अगर हम दूसरी तरफ, तो बॉलीवुड से अक्सर खबर 2020 के बाद बहुत सुनी कि हमने आज इसको खोया कल इसको खोया, कहा जा रहा है कि एक और एक्ट्रेस को हमने आज खो दिया। जी हाँ, ये जो एक्ट्रेस है ये टीवी सीरियल में काम कर चुकी हैं, और एक फेमस टीवी सीरियल आता था, कहा जाता है कि जिस सीरियल का नाम था साथ निभाना साथ ही, जो शायद स्टार प्लस पे आता था, कहा जाता है कि उसके अंदर एक अच्छा किरदार निभाती थी, पर ये आज हमारे बीच नहीं है। इनकी उम्र शायद 83 या 84 के आसपास बताई जा रही है, और कहा जा रहा है कि इनका नाम है अपर्णा। जी हाँ, एक्ट्रेस अपर्णा जो है इनकी उम्र बहुत ही मतलब 80 प्लस थी, और हाल ही में इनकी डेथ की खबर आती है, जो कि इनके खुद की टीवी सीरियल की एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करी है, शायद तबीयत इनकी सही नहीं थी इसी के कारण ये आज हमारे बीच नहीं है। पर कहीं ना कहीं 2020 के बाद हमने कई यंग लोगों को भी खोया है, और कई ऐसे मामले सुने हैं जिसमें मिस्टीरियस चीज़ों को लेकर सवाल उठे हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्या कहना चाहेंगे कि सुशांत के जाने के बाद आपने कितने लोगों के बारे में ऐसा सुन लिया जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, और कई ऐसे मामले जिसमें किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी के साथ गलत कदम उठा लिया किसी ने, किसी का मामला मिस्टीरियस बन गया और किसी के साथ गलत हो गया, ऐसे कई मामले आपने भी सुने होंगे सुशांत मामला होने के बाद। तो आपको कितने सारे मामले याद हैं आप बताइएगा कमेंट्स में। पर कहीं ना कहीं सुशांत केस को लेकर अब दोबारा से चर्चा होनी शुरू हो चुकी है, और ये चर्चा कब तक होगी ये कोई नहीं जानता फिलहाल, पर आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, Facebook में देख रहे हो तो Facebook को भी शेयर करिए, और Facebook को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और YouTube के नए चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और साथ ही साथ हमारा जो Facebook का चैनल आ चुका है उसके साथ भी जुड़ जाइए, और अगर आप Facebook में ही वीडियो देख ही रहे हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।